तो इंडिया कोरिया इन्विटेशनल का आज का शेड्यूल बताने वाला हूँ कि बिजामा का मैचेस कब चालू होगा, उसी के साथ स्काउट कुछ बंदों पे एक्शन लेने वाले हैं और वो रिप्लाई करते हैं इंडिया कोरिया लैन के बारे में कुछ, और इसी के साथ यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इंडियन और कोरियन टीम्स में क्या डिफरेंस है। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ डिफरेंस नहीं है, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया कोरिया इन्विटेशनल जो आज डे थ्री है, फाइनल डे है, तो मैचेस का शेड्यूल तो देख सकते हो। 11:30 बजे स्ट्रीम स्टार्ट होगा, लेकिन दूसरा गेम चलेगा आरसी, कुछ गेम है नहीं पता को भी है जो भी है। फिर उसके बाद आरटीवी गेम चलेगा 12:15 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और बीजीएमआई 1 बजे से, मतलब जो मैच वन होगा वो लगभग 1:30 बजे तक यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो बीजीएमआई के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आप लोग के पास अगर टिकट है तो आप लोग लेट से भी जा सकते हो, अगर आप लोग बीजीएमआई सिर्फ देखने के लिए जा रहे हो तो। एंड इसी के साथ यहाँ पे अब बात करते हैं स्काउट के बारे में। तो आपको पता है कि टीएक्स का कल भी परफॉर्मेंस नहीं आया और इसी चीज पे भाई आपको पता है बहुत सारे लोग हेट दे रहे हैं। तो पंग ने एक स्टोरी लगाया था कि अप्रिसिएट क्रॉस सपोर्ट क्रॉस ट्रोलिंग टिक स्पैमिंग टिक, मतलब यहाँ पे जो इंडियन ऑडियंस है वो अप्रिसिएट और सपोर्ट नहीं करेगी चाहे अच्छा खेलो या खराब खेलो, खराब खेलने में तो उल्टा और ट्रोल करेंगे, स्पैम करेंगे। तो स्काउट यहाँ पे रिप्लाई करते हैं, स्टार्ट सपोर्टिंग द प्लेयर वेन दे नीड द मोस्ट नॉट वेन दे आर एट देयर बेस्ट, रिमेंबर कर्मा इज देयर इट विल हॉन्ट यू टिल द एंड, वी इंडियन प्लेयर लैक डिसिप्लिन इन ऑल एस्पेक्ट, नीड टू कम आउट ऑफ द बबल वेयर वी ग्लोरीफाई एन इंडिविजुअल नॉट अ टीम, दिस गोज फॉर ऑल प्लेयर कास्टर एंड ऑडियंस, होप पीपल विल लर्न आफ्टर दिस, मी एंड माई टीम आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे भाई अभी जब टीम्स का डाउन फेस चल रहा होता है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते, तो उस टाइम सपोर्ट दिखाया करो, ऐसा नहीं कि ट्रोल करो स्पैम करो हेट दो, भाई उससे कुछ भी नहीं होगा। ट्रोलिंग तो भाई यहाँ पे कुछ फन पर्पस के लिए किया जाता है तो ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे मैचेस चल रहा है, टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है, तो इस टाइम तो भाई सपोर्ट किया करो। एंड इसी के साथ यहाँ पे स्काउट और भी कुछ बताते हैं कि जो यहाँ पे हेट पेजेस हेट फैला रहे हैं तो उस पे एक्शन लेने वाले, मतलब ब्रॉडकास्ट पे ये लिखे थे देख सकते हो, जिसमें हमें सिंपल लिखे कि इस बार किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग बस सपोर्ट रखो, तुम लोग किसी पे हेट पे ध्यान मत दो, वो लोग एक्शन लेंगे। तो अब भाई जो भी करते हो भाई बच के रहना। खैर उसी के साथ यहाँ पे स्काउट एक और चीज अपने जर्नी के बारे में बात करते हैं। 2018 to 2023, इट्स बीन 5 ईयर व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ स्काउट, नेवर ड्रीम्ड इन माय लाइफ दैट आई वुड एवर रीच हियर, बट गेस व्हाट, इट वर्क्ड आउट एंड वी आर एट दिस स्टेज, इट्स ऑलवेज बीन माय ड्रीम टू रिप्रेजेंट माय कंट्री नो मैटर व्हाट द फील्ड इज, यस समटाइम्स आई डू फील ओल्ड बट आई डोंट थिंक माय पैशन हैज डाइड, आई स्टिल हैव पैशन फॉर द गेम फॉर द कंपटीशन फॉर एवरीथिंग व्हाट आई हैड फ्रॉम डे वन, I am super happy that I found a family in this journey who would stand for me no matter what. I am gonna keep up no matter how badly I get knocked down till my last breath. मतलब सिंपल कि जब वो स्टार्ट किए थे उस टाइम जो पैशन था और जो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं अभी भी सेम पैशन है उनका, गेम खेलने का अभी भी वैसा जुनून है और आगे भी वो कंटिन्यू रखेंगे, अपना बेस्ट देंगे, फिर से परफॉर्म करने का ट्राई करेंगे। और अभी वो दिल्ली पहुंच चुके हैं वापस से, तो आज फिर से यहाँ पे लैन पे हम लोग को स्काउट देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि स्काउट खेलते हुए देखने को मिले पर चांसेस थोड़ा कभी कुछ भी श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि कल ड्रीम्स के साथ भी टीएक्स का परफॉर्मेंस नहीं आ पाया था। खैर इसी के साथ अभी यहाँ पे बात करते हैं कि इंडियन टीम्स और कोरियन टीम्स में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि इंडियन टीम्स और कोरियन टीम्स में कुछ डिफरेंस भी है, वो लोगों को लगता है कि कोरियन टीम्स वैसा कुछ खास नहीं खेलती है, इंडियन टीम्स आराम से खेल सकती है ग्लोबल स्टेज पे, बात करेंगे इसके बारे में। तो अभी यहाँ पे स्टैंडिंग्स तो देखी होगी, मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या लगता है आप लोगों को करने बताना कि कौन सी टीम आज जीतेगी, लास्ट डे है, 5 मैच होगा और इंडियन टीम सभी यहाँ पे कुछ कुछ बढ़िया खेल रही है, मतलब टॉप 8 में 5 इंडियन टीम है। खैर कोई भी जीत सकती है, जो अच्छा परफॉर्म करेगी वो जीतेगी, बस सपोर्ट रखो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब यहाँ पे बात करोगे इंडियन टीम्स और कोरियन टीम्स के प्लेयर के बारे में, तो भाई बहुत डिफरेंस है। अगर आप लोग देखोगे कोरियन प्लेयर्स के मोन्टाजेस फॉलो यूट्यूब पर अपलोड भी किए हैं मैंने देखा भाई, तो वो लोग का इफ रिफ्लेक्स एम भाई स्प्रे क्या बोलूँ, सब चीज एकदम एक्यूरेट है, कोई भी मिस्टेक नहीं करते। और वो लोग के लिए भाई डिसएडवांटेज था कि बीजीएमआई खेलना है यहाँ पे आके, यहाँ का मेटा में वो लोग भाई यहाँ पे एक्वायर की, बीजीएमआई और पबजी बहुत ही अलग होता है, मतलब गेम प्ले में अगर आप लोग पबजी कुछ जो खेलते हैं उनको पता होगा कि पबजी ज़्यादा स्मूथ चलता है, उसमें स्प्रे मतलब स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है बीजीएमआई के अकॉर्डिंग। और हम लोग तो भाई बीजीएमआई शुरू से खेलते आ रहे हैं, तो वो लोग बीजीएमआई में शिफ्ट होके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रिफ्लेक्स दिखा रहे हैं, क्लचेस कर रहे हैं, देखो सिंपल क्लचेस नहीं है, वो लोग का स्प्रे एक्यूरेसी बहुत ही खतरनाक है, आप लोग देखे होंगे जो सिंगल शॉटगन से भाई वो लोग रिफ्लेक्स में नॉक कर रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि डिफरेंस नहीं है, वो लोग का भाई प्लेयर्स का जो रिफ्लेक्स है एम है वो बहुत इंप्रूव्ड है, आप लोग खुद भी जाकर चेक करना आपको समझ में आ जाएगा। तो इंडियन टीम्स को इस चीज पे काम करना है, ऐसा नहीं कि इंडियन टीम्स का प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे जो टूर्नामेंट होता है जैसे थर्ड पार्टी टूर्नामेंट,
तो मोस्ट ऑफ द टीम्स यहाँ पे हिल बटल लेके भाई बैठ जाएगी, हिल बटल करेगी, कैंप करेगी। इस चीज पे यहाँ पे गॉड लाइक मेंबर्स से बात करते हैं, क्लच गॉड बोलते हैं कि यहाँ पे इंडियन टीम्स में यही प्रॉब्लम है कि ये लोग बस जीतने के लिए खेलते हैं कि यहाँ पे कैसे भी जीत जाना है कैंप करके, हिल बटल करके, जिससे गेम इंप्रूव नहीं होता है। और इंडिया में वैसा प्लेयर है ही नहीं जो वो लोग जिस तक खेलते हैं। आप लोग देखोगे गेम प्ले तो आपको समझ में आ जाएगा, बस फिर भी भाई यहाँ पे अपना टीम है, अपना टीम को सपोर्ट रखना है और होप कर दे कि ये लोग भी इम्प्रूव करे, जो भी टूर्नामेंट्स है वहाँ पे ये लोग और इम्प्रूव कर अपना गेम को भी, क्योंकि जिस तरह वो लोग स्प्रे देते हैं भाई वो मतलब विश्वास ही नहीं होता है। खैर चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं आज कौन सी टीम जीतेगी। जो भी टीम जीतेगी भाई अपने टीम को सपोर्ट बनाए रखना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।